दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई को हुई थी। खेलों के इस महाकुंभ में भारत अब तक 3 ब्रांज मेडल जीत चुका है। इस सब के बीच फैंस स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के एक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था, तो इस बार नीरज चोपड़ा का मैच कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर से स्वर्ण पदक जीते तो इस वीडियो को दबा के लाइक करें और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के मैच का फैंस इंतजार कर रहे हैं, सबको काफी उम्मीदें हैं इनसे। देश के 140 करोड़ लोगों को नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार फिर से कर रहे हैं। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा से उम्मीद लगाए बैठे कि वो इतिहास दोहराएं और भारत की झोली में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीते। चलिए दोस्तों जानते हैं इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के शेड्यूल का कार्यक्रम क्या है। आपको बता दें नीरज चोपड़ा 6 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला मैच खेलेंगे। 6 अगस्त को जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से प्रतिनिधि करेंगे। जेवलिन के ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन राउंड दोपहर में 1:50 पर शुरू होगा, जबकि ग्रुप बी का क्वालिफिकेशन राउंड दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। अगर नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड पार कर लेते हैं तो 8 अगस्त को फाइनल के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं दोस्तों भारत एक बार फिर से नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। वहीं दोस्तों अब आपको बता दें नीरज चोपड़ा के मैच को आप लोग कहां देख पाएंगे। दोस्तों भारत में टीवी पर ये स्पोर्ट 18 के जरिए लाइव प्रसारित किया जा रहा है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो जियो ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं, आप लोग इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दोस्तों वीडियो ये आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी खबरों को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।